नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ASM न्यूज़ में। पूरे देश में बागेश्वर वाले बाबा वायरल हैं, जगह जगह जाकर अपने दिव्य दरबार लगा रहे हैं। उसी कड़ी में झांसी में आज दरबार लगाया गया, देखिए आप इस वीडियो को। ओम ज्वाला मालिनी मां रुक्मी देवी मां गंगा चतुष्पाद समर्पया मणि। भी है, अगर आप 56वीं करें तो वहां से आपको बुला लिया जाएगा। ऐसे बागेश्वर माला की कृपा है, तो आप ये मत समझिए कि आप पास में आगे पास नहीं की बाबा की दरबार की पानी भर से तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? किस किस को दिक्कत है, हाथ उठा के बताओ। दिक्कत किस किस को नहीं है, अब हाथ उठा के बताओ। नहीं है हमें और पहले नहीं है। तुम्हारे भी हो सो हम भी गरिमा भार में रहो। हम तो वैसे ही भीगे बह जाए हैं बालाजी के रस में, तुम्हें भी आज डुबा कर छोड़ेंगे। चाहे तुम जितना बच लो, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम में दम हो तो बच लेना, हम बालाजी का तुम्हें बना करके ही छोड़ेंगे। हमारा तो उद्देश्य ही है सबको बागेश्वर बालाजी का पागल बनाना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये भीड़ ऐसे पागल हो गए। हम चाहते बालाजी के लिए पागल हो जाएं, ताकि सबको समस्या का समाधान मिल जाए। तो दरबार के बारे में एक दो बातें और बता देते हैं प्रारंभ करने से पूर्व। जिनकी अर्जी लगे बात को ना समझ में आ गए तुरंत टोकना है। पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मूढ़ा, अंधविश्वास में बिल्कुल भी। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया, एकदम पढ़िएगा। दूसरी बात, बागेश्वर धाम के नाम से बहुत फ्रॉडगिरी की जाती है। बागेश्वर धाम के नाम से आपको बहुत ज्यादा नेट पर ऑनलाइन DIP वो कान लगा के DIP मिलन करवा दे रही, DIP दर्शन करवा दे रही, उनकी फटली भर है। तो हमारा निवेदन है DIPओं के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे। बागेश्वर बालाजी का दरबार निःशुल्क था, है, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। इसलिए जो है किसी को किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना कोई हमारे सेवक को, चाहे वो झांसी मंडल के शिष्य हो, चाहे वो बागेश्वर धाम के शिष्य हो, या भारत में कहीं के शिष्य हो, किसी को किसी भी प्रकार की राशि ना दे। बागेश्वर बालाजी का दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक भंडारा भी निःशुल्क है। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की है, दिव्य दरबार की है। गिर जाएगा जय हो। वैसे सावधान जरूर रहना, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो टेंट के पास खड़े, करंट आने का डर है, बरसात भी है, आप लोग सावधान जरूर रहना। दोनों हाथों की सब मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी पहले लगा देते हैं। सब बांध लो, जिनका पर्चा नहीं भी मिल पाएगा ना मिल पाएंगे तो सामूहिक अर्जी स्वीकार हो जाएगी। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। भले ही अर्जी ना लग पाए, मन ही मन आप जो प्रश्न लेकर के दरबार में आए हैं, 3 बार मन ही मन दोहरा लें। निश्चित रूप से सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी आपकी अर्जी स्वीकार कर लेंगे। ओम
ओ ओ कहो हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह अर्जी स्वीकार करो, यह अर्जी स्वीकार करो, यह अर्जी स्वीकार करो। दाएं हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करें और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। अब तो जहां जहां हमारी कथा हो रही होते होते हनुमान जी आ रहे हैं। जब पन्नी खोल दे बेटा ना होता, पन्नी खोल दे। अच्छा, दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से कहो, बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। प्रथम आदेश माताओं में, ये बात तुमसे कोई और बोले हमें खबर नहीं, पर हमारी ना तो कोई दुकान है, ना हम कोई दरबार चलाने के उद्देश्य से जी रहे हैं। हमारा तो उद्देश्य है तुम्हारा, कोने में कहीं भी बैठे रहना, बालाजी की कृपा में ताकत होगी, नाम सहित आपके पूजनीय पिताजी के नाम सहित बुला लिया जाएगा। बोली बना दो माइक करें, जो माता जी के साथ में आ जाए ठीक ही आ जाए। बस 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 बस, धन्यवाद नहीं करना, उठ बैठो। हेलो हेलो हेलो, नदी गई है, कहाँ से आए हैं, क्या बात है, बोलिए, झांसी से हैं, क्या बात है। बारह साल हो गए, हाँ, बेटी का घर नहीं बच रहा, बहुत परेशान है। क्या हो गया है? और एक प्रश्न लिखा है, पढ़ी लिखी आप, नजदीक आओ। हमने लिखा, शरीर में आपके दर्द रहता, पीड़ा रहती, माइक से बोलो हाँ या ना, कमर व घुटनों में परेशान रहती, घर में बेटी की परेशानी बनी है, पति उपद्रव करता है, रखता नहीं है, कलेश पूरा परिवार उपद्रव मचाता है, तलाक लेना चाहते हैं, गलत फहमी के कारण, चरित्र शक के कारण, व घर के उपद्रव के कारण लांछन लगाते रहते हैं, तरह तरह के लांछन लगाते रहते हैं। कृपा होगी, बीमार नहीं होगी बच्ची, आगे सामंजस्य बनेगा, धाम फोटो लेके पहुंच जाइयो, आशीर्वाद है। ऊपर उगे लाने का जो धाम पर छोड़ दे, राजन हार दी, चलो कहना है।
बाबा हमारे जीवन में नहीं थे तो हमारी जो क्रिया क्या थी, कभी दुनिया से खरीदे थे कुछ में छुप याद करते थे, कभी दुनिया से खरीदे थे कुछ में छुप याद करते थे, कभी दुनिया से खरीदे थे कुछ में छुप याद करते थे, कभी दुनिया से खरीदे आपको राजस्थान में हमने जाकर के अर्जी लगा दी है, सुनो हरिया सुनो हरिया बैठे जो दोबारा में बहुत जल्दी झांसी में कथा हुई है, उम्मीद दो दिन को दरबार लगा बहुत जल्दी हम सबके कभी सबकी सामूहिक रूप से जो है कथा हुई है दो दिन की तो दरबार लग रहे, जय जय सीताराम। बोलिए क्या बात, जल्दी रुकी जाइए, काम नहीं है, पितृ दोष बने हुए हैं, 2023 9 मई के बाद से हमका बिजनेस होगा, जाओ आशीर्वाद। बोले बागेश्वर सरकार जी, यही लिखा पहले से आप बताया किसी नाम आम जी, एक और घर तुम्हारे बेदी का कारण है, कुछ ध्यान पर चलता है, चलो अगल बगल के तो कुल टी ना उड़ गए हैं, कहा बनो है